अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे मोटिवेशन का टॉपिक करेंगे, पोर्टर-लालर मॉडल, जो कि मोटिवेशन की थ्योरी में ही एक आपका मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पोर्टर-लालर मॉडल जो है वो हमारी जितने भी मोटिवेशंस की थ्योरी है उन्हीं में ही एक मॉडल है, जो कंटिन्यूटी में हम करते आ रहे थे, तो उसी में से ही एक मॉडल आज आपको कराया जाएगा। तो देखो, पोर्टर-लालर मॉडल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये मोटिवेशन की, प्रोसेस थ्योरी में से। आपको पता है दो टाइप की थ्योरी होती है जो हमें ने स्टार्टिंग में आपको कराई थी, एक होती है प्रोसेस थ्योरी, एक होती है कंटेंट थ्योरी। तो ये आपकी प्रोसेस थ्योरी में से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन का, ठीक है। थ्योरी इज गिवन बाय पोर्टर एंड लालर इन 1968। कब दी थी ये थ्योरी पोर्टर और लालर ने? 1968 में दी थी भी, ठीक है। बेस्ड ऑन अजम्पशन, किस अजम्पशन पर बेस्ड है बेटा ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि रिवॉर्ड्स कॉज सेटिस्फैक्शन, की जो रिवॉर्ड्स हैं वो उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। आप छोटे थे, आपको चॉकलेट का रिवॉर्ड मिलता था कि आप ये काम कर लीजिए, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था, या फिर आपको इतने नंबर लाने पर बाइसाइकिल या इसका मिलता था, तो ये भी क्या था, एक सेटिस्फेक्शन मिलता था आपको। एंड द सम टाइम परफॉर्मेंस प्रोड्यूस रिवॉर्ड्स, और कई बार जो आपकी, देखो रिवॉर्ड से सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस जो है वो किससे होती थी आपकी, रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड से आपकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती थी, रिवॉर्ड्स पर, और उस परफॉर्मेंस से के बेस पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते थे, ठीक है। तो इसी टाइप से जो इम्प्लॉई है उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, ये थ्योरी बोलती है रिवॉर्ड से। अगर हम उन्हें रिवॉर्ड्स नहीं देंगे तो उन्हें बोर्डम फील होगा, जिससे वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे उनकी परफॉर्मेंस पे, जैसे इंसेंटिव प्लान्स हैं हमारे, ठीक है, उससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, बस ये थ्योरी बोलती है। अब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ये थ्योरी जो है वो मिक्सचर है विक्टर ब्रूम की जो थ्योरी है हमने की थी, और जो एडम सिक्विटी की थ्योरी की थी, उन दोनों ही थ्योरी का ये क्या है, मिक्सचर है। क्लियर हो गई बात? देखिए ये जो थ्योरी है ये सिर्फ, ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया दैट मीन्स आपने इस थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। मेरे साथ साथ समझिएगा, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड या वेलेंस, आपका वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड यानी कि आपकी वेलेंसी है ये, कि क्या वैल्यू है आपके लिए, रिवॉर्ड क्या महत्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके एग्जाम का, जो आपको एग्जाम क्लियर करना है जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हो, यही एग्जाम्पल मैं देती होती हूँ हर बार। तो देखो आप, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, आपकी वैलेंसी क्या है कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसके लिए आपकी वैल्यू कितनी महत्व रखती है, क्योंकि आपके लिए वो एग्जाम ही सब कुछ है। परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड वे प्रोबेबिलिटी, अब आपने परसीव किया है कि आप इतने एफर्ट लगाओगे ना तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपने किया है कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, 6 घंटे पढ़ूंगी, 4 घंटे पढ़ूंगी तो मेरा इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपने एक प्रोबेबिलिटी लगाई है, एक संभावना क्रिएट की है कि परसीव्ड एफर्ट, कि इतने आप एफर्ट लगाओगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेटा आपके लिए जो एग्जाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका रिवॉर्ड, उसकी वैलेंसी और उसके अकॉर्डिंगली आप एफर्ट कर रहे हो, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या परफॉर्म करोगे, अपने एफर्ट्स परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब आपने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एफर्ट्स तो परफॉर्म कर लिए, बट वो आप अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकते ना, उसके लिए आपको कुछ एबिलिटी और ट्रेट्स का भी होना चाहिए, जरूरी है, और रोल परसेप्शन भी होना जरूरी है। तो कुछ एबिलिटी एंड ट्रेट्स होंगी उसके लिए, ठीक है, क्या योग्यताएं हैं, क्या गुण हैं, और रोल परसेप्शन और आपकी भूमिका क्या है, ठीक है। इन दोनों चीजों से, रोल परसेप्शन से और एबिलिटी एंड ट्रेट से आप क्या करोगे कि आपकी क्या भूमिका, आपका क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी आपके एफर्ट्स उस पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता कितनी है, क्या गुण आप में है, और कितनी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से ड्राइव होगी, एफर्ट्स इन दो चीज़ों से, फिर एबिलिटी और ट्रेट्स एफर्ट के साथ मिल जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बेस्ट होंगी। आप एफर्ट्स करोगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब आपकी परफॉर्मेंस है वो आपने क्या किया है, कंप्लीट कर दी है, ठीक है, जो आपको टास्क मिला था आपने कर दिया, अपना अपना बेस्ट किया, अपना पेपर अच्छे से करके आए आप। अब प्रसिव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, आप क्या चाहते हो कि मैंने जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आने चाहिए, मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपने वो प्रसिवनेस की है, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी,
और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं जो आपने परसीव की थी इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, इक्विटेबल बोले तो जितने आपने एफर्ट्स किए उतनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं तो वो क्या होगा, आपका ड्रॉबैक होगा, ठीक है। तो उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे बजाय कि मोटिवेट होने की। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना सा डायग्राम था। अब इसमें एडम्स की इक्विटी थ्योरी कहाँ आती है, एडम्स की इक्विटी थ्योरी यहाँ आती है इसमें, यहाँ परसीव्ड इक्विटेबल थॉट में। और सेटिस्फेक्शन मिलेगी वैलेंसी और एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस एफर्ट्स होगी, तो यहाँ आपकी विक्टर रूम की जो थ्योरी है। तो ये पूरा जो डायग्राम है वो मिलकर बना है आपकी एडम्स की और विक्टर रूम की थ्योरी से। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ये पूरा डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पोर्टर लालन मॉडल है वो फिनिश होता है। इतना ही आज हम पोर्शन करेंगे क्योंकि ये स्मॉल सीरीज कॉन्सेप्ट्स में ही चलती हुई एक आपकी क्लास है। ओके जी, टोटल यहाँ पर 25 से 30 आपकी मोटिवेशन की थ्योरी होती है, जिसमें से ये एक छोटी सी थ्योरी है जो आज हमने डिस्कस की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पोर्टर लालन मॉडल में डाउट रहते हैं। तो यही एक छोटा सा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको पीजीटी कॉमर्स के नोट्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पूरी 12 की 12 यूनिट प्लस स्क्रीनिंग का एक एडवांस जो है बुकलेट वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने जो नोट्स हैं वो मंगवा सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कुछ भी अपना डाउट है उसको टाइप कीजिएगा, आपको आंसर्स मिलेंगे टाइम टू टाइम। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो ये आपकी पोर्टर लालर की मॉडल है की थ्योरी है। इसी प्रकार देखिए इसमें